आज हम आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे नॉटॉन रेसिडेंसी फेज टू का ब्लॉक टू। आप देख सकते हैं कि पानी मुसलसल यहाँ पर डाला जाता है और इसकी निगहदाश्त पे कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाती। ये एरिया जब क्लियर हो जाएगा तो वहाँ पर भी काम शुरू होने लगेगा। 99% ये एरिया क्लियर हो चुका है। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उन तमाम प्रोजेक्ट को आपके लिए हाईलाइट्स करता रहूँ जहाँ पर डेवलपमेंट का काम होता जा रहा है और तेज़ी से हो रहा है। वो खास चीज़ जो है वो मेरे सीधे हाथ में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है ये रोड की जो प्लाटों के दरमियान जो रोड है उसकी लेवल करने का काम शुरू हो चुका है बहुत तेज़ी से। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर वीडियो बनाने आऊँगा तो यहाँ पर यकीनन पेवर का काम भी शुरू हो चुका होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन रजा इस्वानी। उम्मीद है व्यूअर्स आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं इस वक्त नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ टू में मौजूद हूँ। फेज़ टू में आप पीछे देख सकते हैं GFS का ऑफिस बना हुआ है और इसी के पुश्त पे ब्लॉक टू है जो कि फेज़ टू में वाक़ है। थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। अगर आप मेरे सीधे हाथ पे देखेंगे तो ये नॉर्दर्न बाईपास वाला रोड है जो कि सीधा आगे जाके नॉर्दर्न बाईपास पे चला जाता है। और ये वाला रोड अगर आप इस साइड पे देखें तो ये जो फेज़ वन का वाला रोड है वो सीधा यहाँ पर आता है। उससे पहले ब्लॉक वन है जहाँ पर सैलानी टावर भी मौजूद है। तो हम चलते हैं और आपके लिए नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ टू का ब्लॉक टू एक्सप्लोर करते हैं। आ जाए मेरे साथ। मैं ब्लॉक टू के अंदर मौजूद हूँ और ब्लॉक टू में इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उस वक्त ये काम नहीं हो रहा था। आप ये देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है ये रोड की जो प्लाटों के दरमियान जो रोड है उसकी लेवल करने का काम शुरू हो चुका है बहुत तेज़ी से। यहाँ से बाउंड्री वॉल से लेकर एंड तक आप देख सकते हैं कि ये रोड को बराबर किया जा रहा है। इसको बराबर करने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर फिर रोड़ी डाली जाएगी। रोड़ी के बाद बजरी बिछाई जाएगी, जो एक पूरा स्टेप होता है वो मुकम्मल किया जाएगा। उसको कुछ टाइम तक प्रेस किया जाएगा बजरी डालने के बाद, फिर उसके बाद पेवर का काम होगा। यहाँ की कैटेगरीज़ में आपको बताऊँ, 120 गज के प्लाट यहाँ पर मौजूद हैं। सोल्ड आउट तकरीबन ये हो चुका है। और फैसिलिटीज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो ये आपको वो बिल्डिंग नज़र आ जाएगी सामने जो कि चेज़अप बनने जा रही है। और चेज़अप के बारे में बहुत ज़्यादा ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि चेज़अप जहाँ पर हो वहाँ पर आपको मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वन रूफ के अंदर आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे कि ग्रॉसरी आप करना चाहें, क्रॉकरी का सामान आप लेना चाहें, कपड़े लेना चाहें, सब्ज़ी फ्रूट और इसके अलावा जो गोश्त वगैरह होते हैं, ईच एंड एवरी थिंग आपको चेज़अप में मिल जाता है। आसानी से मैसर आती है वो तमाम चीज़ें। जो यहाँ की डेवलपमेंट के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो मुकम्मल तौर पे लाइट का काम हो चुका है और सीवरेज का काम कंप्लीट है। यहाँ पर लाइट का काम कंप्लीट है। इसके अलावा जो एक बहुत ख़ास बात है वो मैं आपको चल के सामने वाले पोर्शन में दिखाता हूँ, तो चलें आपको वो ख़ास चीज़ भी दिखला देता हूँ। आ जाए मेरे साथ। व्यूअर्स, वो ख़ास चीज़ जो है वो मेरे सीधे हाथ में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल का एक पूरा इन्होंने फ्रेम डिज़ाइन किया हुआ है और उसके ऊपर कुछ सोलर पैनल नस्ब भी हो चुके हैं। मज़ीद नस्ब हो रहे हैं जो कि पूरे उसमें लग जाएंगे। और ये एक पार्क है जो कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला ये मज़ीद ग्रीन हो जाएगा। इसकी साइडों में जो ग्रीन बेल्ट का काम है वो बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं कि पानी मुसलसल यहाँ पर डाला जाता है और इसकी निगहदाश्त पे कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाती। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने अपने किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया है। इरफान भाई साहब की ये ख़ूबी है कि जहाँ से भी कोई कंप्लेन ज़रा सी भी किसी भी अलाटीज़ की तरफ से भी आती है तो वो खुद बजाते खुद जाकर वहाँ पे उस कंप्लेन को भी रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ टू का ब्लॉक टू है और इसके अंदर जो जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उसमें एक और बहुत अहम चीज़ है, वो है शाहिद खान आफरीदी क्रिकेट अकेडमी, जो कि बिल्कुल आप सामने वो देख सकते हैं कि वो पोर्शन है पहाड़ी का, वहाँ पर ये शाहिद खान क्रिकेट एकेडमी बनने जा रही है आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला। ज़ाहिर है कोई भी काम शुरू होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर वो काम पाए तकमील तक पहुँचता है। ये एरिया जब क्लियर हो जाएगा तो वहाँ पर भी काम शुरू होने लगेगा। 99% ये एरिया क्लियर हो चुका है। रोड का काम अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर वीडियो बनाने आऊँगा
तो यहाँ पर यकीनन पेवर का काम भी शुरू हो चुका होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। व्यूवर्स, हमने कोशिश की है कि नॉट टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और मलीर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं और दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं, सेवन वंडर सिटी फेज़ 1, सेवन वंडर सिटी फेज़ 2 और इसी तरह के GFS के जितने प्रोजेक्ट हैं, उनकी डिटेल हम आपको गाहे बगाहे फराहम करते रहें और आपके इल्म में ये बात रहे कि कौन से प्रोजेक्ट पे किस इस वक्त क्या काम हो रहा है। तो हालिया कंडीशन यहाँ की ये है कि तमाम प्लाट सोल्ड आउट हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका है, लोगों ने अपने मकान बनाना भी शुरू कर दिए हैं, जो आने वाले वक्तों में बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर है कि लोग इंतज़ार करते हैं कि रोड वगैरह अब बन जाएँ तो फिर हम इस तरफ आके अपने मकान की तामीर शुरू करें। तो इंशाल्लाह ताला कुछ वक्त में यहाँ पे मकानात भी बनना शुरू हो जाएंगे। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उन तमाम प्रोजेक्ट को आपके लिए हाइलाइट्स करता रहूँ जहाँ पे डेवलपमेंट का काम होता जा रहा है और तेज़ी से हो रहा है। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, रिज़ाबाद के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने होस्ट हसन रज़ा इस्फ़ानी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।